फिर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं आएगा। देखो ये जो ये है हर की पौड़ी का नजारा, सुबह सुबह का व्यू है, देखो इतना ज्यादा अभी भीड़। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कस्टमर के होटल पे और सामने ये देखो। लेकिन आज जो हमारा ड्रॉप रहेगा ना वो रहेगा भाई छतरपुर में, तो समझ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में ये सफर करके। आई थिंक जितने भी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:11 और डेट हो गई है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर हो गई है और जैसे कि कल आपने देखा था हम हरिद्वार आ गए थे और अभी हरिद्वार में ही हैं। और ये हमारे बंटी भाई, सबर कर लो, ये है बंटी भाई और यहाँ हम भाई जितेंद्र हुए थे अभी यहीं पे है यादव धर्मशाला पे और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों हम तीनों दोस्त यहीं पे रात में स्टे किया था और अभी तीनों लोग निकल रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र भाई निकल गए पिकअप के लिए, बंटी के पास अभी कोई बुकिंग है नहीं और मैं निकलूंगा अभी थोड़ी देर में ऋषिकेश के लिए। अभी तो यहाँ से हम और बंटी दोनों लोग जा रहे हैं सीधा ऋषिकुल। ऋषिकुल पे अपना कुछ हल्का पूरा चाय वगैरह पी लेंगे और कुछ मिल गया तो ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेंगे, नहीं तो मेरा तो जो पिकअप रहेगा वो ऋषिकेश से रहेगा। अभी रात को मैं ऋषिकेश से यहाँ सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि अब हमें पूरी तरह से चार्ज हो गए, मतलब बढ़िया से रेस्ट हो गया। अभी सुबह सुबह नहा धो के निकले, धर्मशाला में रूम ले लिया था, सस्ता सा मिल जाता है, ड्राइवर के हिसाब से ठीक ठाक था, 300 रुपए में। आपको पता और क्या ही चाहिए, 300 रुपए में बढ़िया रूम मिल गया था जिसमें हम दोनों दोस्त रुके थे और 150-150 रुपए पल्ले पड़े थे। गाड़ी भी अपनी बढ़िया से सेफ्टी से अंदर खड़ी हो गई थी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अभी जैसे ही जितेंद्र भाई आ जाएंगे उनको बिल देना है और बिल दे के मैं निकल जाऊंगा। जितेंद्र की गाड़ी है ये देखना, अभी ये पीछे मेरे पीछे ये गाड़ी आ चुकी है फिलहाल जितेंद्र भाई की। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया 9:15 और अभी हम यहाँ हरिद्वार से निकल रहे हैं। आज है नवरात्र का पहला दिन और कल लो माता का मंदिर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं आएगा। देखो ये जो दिख रहा है ना पहाड़ों पे ऊपर जाके, तो अभी आपको पता कि फोन ज्यादा उतना क्लियर है नहीं तो जितना पॉसिबल है उतना दिखा रहे हैं। आज का हरिद्वार का जो है भीड़ कितनी क्या है वो आप देख लीजिए। नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं तो काफी भीड़ कल आई है यहाँ पे। कल जैसे मैं रात को आया था ना, परसों रात को, तो काफी लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि एक तो 2 अक्टूबर की छुट्टी हो गई थी और सुनने मारा 5 या 6 तारीख के हरियाणा में इलेक्शन भी है तो उसकी वजह से भी छुट्टी हुई थी। तो काफी ज्यादा गाड़ियां आई हैं दिल्ली हरियाणा से यहाँ पे। अभी देखो हरिद्वार का जो ट्रैफिक है, सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू है, कुछ इस टाइप का चल रहा है। और अभी दिखाते हैं आपको हर की पौड़ी का नजारा कुछ। एक तो मेरा जो फोन है ना रात को बंद हो गया था इसलिए ज्यादा वीडियो सुबह नहीं बना पाई, नहीं तो सुबह मैं यादव धर्मशाला का फुल वीडियो बनाने वाला था। अभी मोबाइल उतना हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना ज्यादा हमें चाहिए, साथ नहीं दे पा रहा है। अब देखते हैं इस मोबाइल से या तो इसे बेच के दूसरा लेंगे या फिर और देखेंगे कुछ जुगाड़ पानी इस दीपावली की डिस्काउंट में अगर बन जाएगा जुगाड़। फिलहाल ये है हर की पौड़ी का नजारा, सुबह सुबह का व्यू है, देखो इतना ज्यादा अभी भीड़ है नहीं और होगी भी तो यहाँ दूर से दिखाई नहीं दे रही है। जिसको भी दर्शन करने भाई दर्शन कर लो एक बार, हर हर गंगे जरूर लिखें कमेंट में। और जिसको भी घूमना है वो लगाओ हमारा नंबर, करो हमसे कॉन्टेक्ट, लेके आएंगे बढ़िया से आपको घुमाएंगे हर की पौड़ी हरिद्वार फुल टूर जो भी रहेगा ऋषिकेश जहाँ भी आप जाना चाहते हो सारा कुछ घुमाएंगे। और अभी सीधा चलते हैं धीरे धीरे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम की कोई दिक्कत है नहीं है। ऋषिकेश में चल के कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, चाय पी के तो निकल आए। फिलहाल बंटी भाई को वही छोड़ दिया था। और ये देखो शंकर जी की मूर्ति जो आपने बहुत वीडियो वगैरह में देखी होगी कई बार, ये ही है वो मेन हरिद्वार की सबसे फेमस शंकर जी की मूर्ति। तो चलिए अभी आगे और बढ़ते हैं धीरे धीरे, आगे का नजारा भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कस्टमर के होटल पे और सामने ये देखो मंदिर क्या बेहतरीन सज रहा है ना। आज से नवरात्रे हो चुके हैं स्टार्ट, तो एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अभी गाड़ी तो मैंने काफी पीछे ही लगा ली थी क्योंकि जो टाइम है ना अभी 11:25 हो रहे हैं, तो राइडर से जब कल बात हुई थी तो उन्होंने 12 बजे कल वाली जगह पे पहुंच गए, पार्किंग में लगा ली है गाड़ी। अभी जैसे ही राइडर रेडी हो जाएंगे सोए हम चलेंगे और करेंगे पिकअप, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अभी 11:30 का टाइम हो रहा है, कल हमारी यही बात हुई थी 11:30 बजे आप हैं। एक गाड़ी ये खड़ी, गाड़ी सामने खड़ी, एक गाड़ी ये टेम्पो ट्रैवलर, तो यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां मैंने देखी नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब
पार्किंग इन्होंने बढ़िया बना रखी है, स्पेस भी काफी है और काफी गाड़ियां लग भी जाती हैं। तो चलो अभी राइडर से बात तो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। तो टाइम हो चुका है दोपहर के 1:09 और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं चंडी देवी मंदिर। राइडर गए हुए हैं ऊपर, गाड़ी हमने लगा ली है फिलहाल पार्किंग में और अभी यहीं पे वेट करेंगे। यही हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन है, ये जो रोप वे चल रही है इसी से गए हैं राइडर। अभी ज़्यादा जूम करूंगा तो वीडियो बेकार हो जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हो। और आज जो है ना नवरात्रि का पहला दिन है, इसकी वजह से आज भीड़ भाई बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी चलिए हम गाड़ी लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भीड़ किस कंडीशन में है भाई। तो भीड़ की कंडीशन आप ऐसे लगा सकते हो कि इस रोड पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती हैं। और समझ लो आज जो गाड़ी है ना कहाँ तक भाई पूरा फुल चौक चल रहा है इस टाइम। अभी एक तो धूप बहुत हो रही है, दूसरा हमारी गाड़ी पर बना है लगेज, इसलिए अभी हम इसको छोड़ के आगे तो नहीं जाएंगे। वैसे तो आपको पता आगे तक पूरा घूम के आ जाते हैं, बट अभी हम रहेंगे सीधा अपनी गाड़ी के पास ही, क्योंकि लगेज छोड़ के कहीं जाना ठीक नहीं है। अभी जैसे ही राइडर आएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे फाइनली, जो हमारा रहेगा अब सीधा दिल्ली के लिए। और ये है चंडी देवी और सामने जो आपको एक लाल लाल सा मंदिर दिख रहा होगा काफ़ी दूर और काफ़ी ऊंचाई पे, वो है माँ मनसा देवी का मंदिर। अभी वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, वैसे राइडर की डिमांड थी वहीं जाने की। वहाँ पे आपको पता है अगर वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ पे जो है पहले तो हर की पौड़ी जाना पड़ेगा और हर की पौड़ी से फिर इनको पैदल जाना पड़ेगा मतलब दूसरी साइड, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से मैंने उनको सारा गाइड कर दिया था, मैंने कि सर आप ऐसे ऐसे जा सकते हो, अगर आपको ठीक लगता है आपके पास टाइम है तो आप जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या, मुझे तो पार्किंग में खड़ा रहना है। अगर वहाँ भी ये जाते तो हमें तो क्या, हर की पौड़ी की पार्किंग में खड़े हो जाते, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन सर ने मतलब जो समझाया था ना मैंने उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप एक काम करो, एक इसी मंदिर में घुमा दो। एक मंदिर पर घूमना था किसी भी, मान लो क्योंकि आज से नवरात्र स्टार्ट है ना इसकी वजह से, तो फिलहाल यहाँ घुमा दिया है और अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी सी देर में और फाइनल रिव्यू लेंगे आज सर से। टाइम हो चुका है 5:13, सवा 5 बज गए हैं और अभी आज हम रुके हैं झिलमिल ढाबा पे, देख सकते हो। अभी कल जब शाम को आए थे ना रात में तो नहीं, कल नहीं सॉरी परसों, तो इतना ट्रैफिक था रात को, अभी देखो पूरा सब खाली पड़ा है रोड। अभी तक यहाँ तक आने में हमें इतना ज़्यादा कोई खास टाइम नहीं लगा क्योंकि रोड जो है ना पूरा खाली पड़ा है। अभी फ़िलहाल अपना खाना पीना करके तो आ गए हैं और चाय ले ली है, बस चाय पीते पीते और चलते हैं। जैसे राइडर आ जाएंगे फिर थोड़ी सी देर में निकलते हैं। अभी रोड पे गाड़ी चलाने का जो मज़ा आ रहा है ना भाई, एक अलग ही अनुभव आ रहा है। लेकिन आज जो हमारा ड्रॉप रहेगा ना वो रहेगा भाई छतरपुर में, तो समझ लो शाम को हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आज वैसे भी बृहस्पतिवार है ना, यही अगर संडे होता तो थोड़ा बहुत शायद आराम मिल भी जाता, लेकिन आज नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो कोई नहीं, करेंगे ड्रॉप जैसा भी होगा और वहीं थोड़ा बहुत, अभी तो वैसे मैं देख ही रहा हूँ अगर कोई बुकिंग रात की मिल जाती है तो वापस भी निकल आएंगे, क्योंकि रेस्ट तो अपना बराबर किया हुआ है ही है और वहाँ भी थोड़ी बहुत देर बैठ के देख लेंगे। कोई नहीं, थोड़ी सी देर में अब यहाँ से निकलते हैं और जब तक राइडर आएंगे तब तक बुकिंग भी ढूंढ लेते हैं और चाय फिनिश कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:35 और फाइनली हम सर की लोकेशन पर पहुँच गए हैं। अभी सर की जो फैमिली थी वो तो चले गए अंदर और सर से जानते हैं कि सर का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा 3 दिन का, तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में। पहले तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में ये सफर करके। आई थिंक जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको बताना चाहूंगा कि ये मेरा पहला ट्रिप था ऐसा जहाँ पे मैंने टैक्सी सर्विसेज यूज की थी। मैं आज तक अदरवाइज बस ट्रेन फ्लाइट यही सब आम जनता की तरह करता था जी। बट ये मेरे को भी टेंशन थी फैमिली के साथ कि टैक्सी कर रहा हूँ, जानता नहीं हूँ, पहली बार जाना है, दिक्कत तो नहीं होगी। सौरभ जी के साथ, सौरभ जी का वीडियो देखा, वहां से नंबर मिला, उसके बाद इनके साथ जाके मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनको पहले से नहीं जानता हूँ, ऐसा लगा कि बहुत पुरानी जान पहचान है, बिल्कुल फैमिली की तरह लगा हम इनके साथ जाके। और इतना तो है कि अब आगे यहाँ से दिल्ली से बाहर मुझे जहाँ भी जाना होगा, जहाँ गाड़ी जा सकती होगी वहां मैं इनके साथ ही जाऊंगा, कि अब तो मैं ओला उबर या कुछ भी और नहीं ले रहा। इतना तो मेरा एक्सपीरियंस ये है अच्छा कि मैं इन्हीं के साथ। अच्छा अभी तक आप आउट स्टेशन में जाते थे तो किससे लेते थे टैक्सी? अभी तो हमेशा टैक्सी ओला उबर ही थी, बट उनकी कैंसिल की टेंशन या पेमेंट की टेंशन सर, या फिर आपने बुक कर दी आपको कुछ पता नहीं, आपने तो ऑनलाइन देखी बहुत बढ़िया गाड़ी है। एक बार तो गाड़ी मैंने बुक की तो ऐसी आई कि ना उसमें एसी चल रहा, उसकी लाइट फूटी हुई थी। मैंने बोला भाई साहब आप बिना लाइट के कैसे लेके जाएंगे ट्रैवल में, बोला सर अलाउड है उबर में।
मैंने बोला कि नहीं ऊपर में कोई अलाउड नहीं होता, वो तो गाड़ी तो खुद से चलानी है। मैंने बोला कि नहीं करी, ये हाल है तो फिर मैं फिर क्यों बुक करूं? फिर सच्चा है मैं कुछ और सर्विसेज यूज। आपका 3 दिन का बढ़िया टूर रहा हमारे साथ, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा था कि मैं दोस्तों के साथ काफी बार ऋषिकेश गया था, फैमिली को पहली बार ले गया था, और आपके साथ आई थिंक जितना मैंने पॉइंट और लोकेशंस कवर किए, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को दोबारा जाने की जरूरत है। अगर लोकेशन देखना है सिर्फ, हाँ अब दोबारा घूमने के लिए वही चीजें दोबारा घूमनी है जा सकते हैं, बट कवर तो सब कुछ कर लिया मैंने, अब कुछ छूटा नहीं मेरे ऋषिकेश में। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों अभी सर को यहाँ पे छोड़ देते हैं और फिर हम यहाँ से सीधा निकलते हैं नोएडा के लिए, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी काफी मिलेगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम हमें लग जाएगा। तो सर को मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए बाय बाय सर। तो दोस्तों टाइम हो गया है 10:16। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग हमें 1.5 घंटा लगेगा घर पहुंचने में, और उतना ही टाइम लगा है क्योंकि खाना वगैरह जो है ना पैक करवा के हम लेके आए हैं। आज खाना अपने घर पे बनाने की क्षमता है नहीं क्योंकि थकान हो रखी है भाई। मतलब बाहर कितना भी आप रूम लेके सो लो, चाहे कैसे भी सो लो, लेकिन जो मजा घर पे सोने का है ना वो बाहर कभी नहीं आता है। और 1.5 घंटा हमें लग ही जाता है, आपको पता है दिन में जब आओ ना, मतलब यहाँ से दिल्ली जाओ या दिल्ली से यहाँ आओ, अभी जब ड्रॉप करने गया था ना तब तो ट्रैफिक में बड़ी हालत खराब हुई, लेकिन अभी आते टाइम हम बड़े आराम से आए हैं। मतलब थोड़ा आराम से आए क्योंकि भाग दौड़ तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमें ट्रैफिक कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि कहीं गाड़ी हमारी रुकी हो, कहीं खड़े होना पड़ा हो, तो बढ़िया से आ गए। तो वो 1.5 घंटा लगा खाना ना पैक कराया, लेकिन अभी CNG नहीं भराई है क्योंकि थकान थोड़ी हो रखी थी, तो CNG भराने का भी उतना ज्यादा था नहीं कुछ। और ऐसी अभी कल की कोई बुकिंग भी नहीं है हमारे पास, कोई एडवांस बुकिंग अगर होती है तो उस हिसाब से तैयारी से खड़े होते हैं। अभी तो देखना पड़ेगा, आधा एक घंटा अभी मूड मारेंगे क्योंकि थोड़ी थकान भी हो रखी है, तो सोएंगे भी जल्दी। वैसे तो कल आपने देखा ही था कि वहां पर धर्मशाला में रूम लेके हम सोए थे। कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करो, कल काफी ज्यादा मजे आए हैं क्योंकि राइडर को हमने जैसे बढ़िया से घुमाया है ना, इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को कैसे घुमाते हैं। और लास्ट में राइडर से रिव्यू भी लिया है तो वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा हमारी, अगर आप एक दो वीडियो पुरानी आगे पीछे की मिला के देखोगे तो। राइडर ने बढ़िया रिव्यू दिया, आप खुद देखोगे वीडियो में, और बढ़िया से उनको सर्विस दी है। मतलब हमारे साथ जो भी जाते हैं ना घूमने, उनको वो फीलिंग नहीं आती है कि आप किसी गैर बंदे के साथ जा रहे हो। आपको बढ़िया से जितनी हमें नॉलेज है उतना हम आपको बढ़िया से घुमाएंगे। अगर जिस चीज की हमें खुद नॉलेज नहीं है तो अपने जो और पास के और साथी होते हैं, जो भी और ड्राइवर पार्टनर होते हैं, उनसे कॉल करके और वैसे बातचीत करके आइडिया लग जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी शहर हमारे लिए नया नहीं है, जहाँ मतलब एक दिल्ली से जो लगभग 250-300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी शहर पड़ते हैं कोई ऐसा नया नहीं है। बस इतना हो सकता है कि कोई एरिया आपको पता हो या गूगल को पता हो, हमें ना पता हो, लेकिन जब हम पता करेंगे तो वो पता लग जाता है। देखो सीख के कोई नहीं आता है भाई, सीखना सबको यहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपका टूर खराब नहीं होने देंगे इसकी बिल्कुल गारंटी लेते हैं, बढ़िया से आपको घुमाएंगे। जैसे इन सर को घुमाया है आपको भी घुमाएंगे। लगाओ हमारा नंबर और बनाओ अपना प्लान, जहां का भी आप बनाना चाहते हो, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जहां भी आपको घूमना है, हर एरिया के ड्राइवर अपने पास अवेलेबल हैं और बढ़िया एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जो कि हर रूट पे गाड़ी चलाने वाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर रूट पे हम आपके साथ जाएं, कुछ रूट ऐसे होते हैं कि जहां हम नहीं जा सकते तो हमारे जो और ड्राइवर पार्टनर हैं हमारे साथ के, उनको हम आपके साथ भेजेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी आ गए हैं घर पे और बढ़िया से बस अपना खाना पीना करके रेस्ट करना है। आज का ब्लॉग अपना यहीं पे एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो, न्यू टॉपिक और न्यू डे न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय, टाटा, गुड नाइट।